परम तत्कारयोग सार संगत जी अपनी अपनी रचना में पवित्र कर लिए एक बार गज के आखिए तानु श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी तानु श्री सतगुरु उदय सिंह जी सात संगत जी आदि साखे का विषय है जन्म दे दाते सतगुरु साचे दिया पेज चिर जीवन उपजया संजोग उदरे माहे आए क्या निवास माता के मन बहुत विगास जम्या पूत भगत गोविंद का एक गोविंद भगत पुत्र संत रविंदर सिंह जी चौहान की वार्ता उन्होंने अपनी जमानी सुना रहे हैं। मेरे पिता संत जनेर सिंह जी आर्मी में नौकरी करते सी अते नामधारी नहीं सन मार शराब खाते पीते सी उत्थे एक जद्दी पुश्ती नामधारी सिख संत जोगा सिंह जी जो कि गढ़ पधाने दे सन इकट्ठे इको यूनिट में सी उन्हां नाल मेल मिलाप होया। उन्हां दी प्रेरणा सदका मेरे पिता जी 1967 श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी दी शरण विच आए बेंगलौर विखे श्री सतगुरु जी दर्शन दित्ते तां संत जोगा सिंह जी मेरे माता पिता नूं नाल लै गए। जद मत्था टेकिया तां सतगुरु जी ने पुछया कि जोगा सिंह इह जवान कौन है। उन्हें जान पहचान कराए तां पातशाह जी ने हुक्म किया कि जमीत सिंह अज तो बाद मां शराब त्याग दियो ते भजन पुछ लो। फिर तां हिला दिता पर मन डरदा सी कि मर्यादा मिलेगी कि नहीं। इशनान विशा ने कीती आख्या है संत जोगा सिंह जी अपनी पत्नी जसबीर कौर नाल क्वार्टर विच ही रहिंदे सन। दोवें जोड़े ही औलाद पक्षों सखने सी। पिता जी की शादी में 12 साल बीत गए थी। एक लड़का शादी तो 1 साल बाद होया थी जो जन्म समय ही तिराई कर गया थी। बाद विच कोई औलाद नहीं थी। कई दवाइयां ते सुख ना सुखियां पर कामयाबी ना मिली। सन 1968 विच दिसंबर दे महीने दी रात पिता जी नूं 7 फुट लंबे सुंदर सदौल मूर्ति सतगुरु राम सिंह जी दे दर्शन दिते। पिता जी ने अर्ज की घर चरण पाओ जी। उन्होंने घर लागे जा के एक पिप्पल के रुख हेठ खलो के पिट के मोढ़िया उपर हाथ रख के वचन किया कि सवेरे अमृत वेले सने के शिशनान करना है। इन्हें वचन करके पिट के थापे दे के अलोप हो गए। पिता जी ने ये सारी वार्ता तो घर वाली ने जाणू कराया ता उस क्या कि तुसी अज तो ही शुरू करो। मां शराब का पहला ही छड़ दिता सी एक कदम भी पुट लिया। जदों फिर श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी दर्शन दिते ता बड़े खुश हो ता उन्हें अर्ज की कि तुसी मेरे घर वडाला जोहर चरण पाओ। अर्ज प्रवान करके सतगुरु जी पिंड आए। इस तो 16 साल पहला सतगुरु प्रताप सिंह जी पिंड दर्शन दिते सी। आर्मी विच ही सतगुरु जगजीत सिंह जी नाल पत्र विहार शुरू हो गया। संत जोगा सिंह जी ने उन्हां दी पत्नी जसबीर कौर ने सारे नामधारी सिक्खी तो जाणू करवाया। संतान दी घाट ने माता जी दे मन विच वैराग पैदा कर दिता। एक दिन माता जी जसबीर कौर नाल सलाह करके एक चिट्ठी सतगुरु जी ने लिखी। गरीब निवास जी साडी झोली सखनी है, कृपा करके भर दिओ। 5 जमाता पास होने करके एक गल इतिहास की इस तरह उल्ट लिख दिती कि तुसी 6वें जामे विच माता सुलखनी नूं 7 पुत्रां बदले 1 पुत्र दिता सी। मैनू भी 1 दे दिओ। मेरी निमाणी भी अर्ज कबूल करो जी। ड्यूटी तो आ के पिता जी ने चिट्ठी वेख देखी तां कहा कि इस तरह चिट्ठी नहीं लिखी दी है, मैं चंगी तरह लिखदा हाँ। पर जोगा सिंह जी ने सलाह की कि यह बीबी जी के मन का विराग है, यही चिट्ठी भेजो। सो जम्मू तो चिट्ठी पोस्ट कर दी। ज्यादा जवाब सतगुरु जी वालों सैकटरी गुरभजन सिंह द्वारा लिखा मिलिया कि 5 भादरों 1970 भैनी साहब मेले में सतगुरु जी की आज्ञा अनुसार काके लिए अरदास हो गई है। आप जी के घरों बीबी जी ने हुक्म होया है कि बच्चा पैदा होने तक 1 साल
भजन की कमाला भगवतियां की फेर के अरदास करया करो कि बच्चा निर्विघन सिरे चढ़े और लंबी आयु वाला कर्मा वाला हो। माता जी ने हुक्म लगातार सिरे चढ़ाया। सतगुरु जी के पवित्र हुक्म अनुसार मेरा जन्म 1971 विच जम्मू सांबा शहर विच आर्मी अस्पताल विच होया। परिवार विच खुशी दी लहर दौड़ गई। सतगुरु जी ने पत्र लिख के अर्जी कीती ते शुकराना कीता। सतगुरु जी ने अमृत छकाउण लई ते नाम करन लई संत आत्मा सिंह एरोप्लेन ते संत जगत सिंह जम्मू वाले भेजे। उन्होंने अमृत छका के भजन दस्या ते नाम रख्या रविंदर सिंह। पिता जी ने मन विच धारिया सी जदों काका 7 सालां दा होवेगा तां मेला करांगे। सो 1978 विच सच्चे पातशाह जी नूं घर बुला के पेंशन तो आ के मेला किया। आसा दी वार विच श्री सतगुरु जी ने पिंड वडाला चोहल दर्शन दिते अते अपने घर कमला नाल मैनू दस्तार सजाई। घर परिवार ते सतगुरु जी ने अपार बख्शिशा कीतियां। पिता जी ने आर्मी विचों आ के जिला सैशन जज अमृतसर दे दफ्तर 20 साल पूर्ण नामधारी पहरावा पा के सर्विस कीती। सतगुरु जी ने अनेका कारज गुरु घर दे करवाए अते खुशियां दित्तियां। मेरे ते भी कृपा होई कि पंजाब पुलिस विच वायरलेस विंग विच नौकरी दी बख्शिश होई जो जारी है। पिता जी इस परिवार दी प्रतिपालना सतगुरु जी दे सहारे दे के सन 2000 विच साडा साथ छड गए सन। अगों परिवार रूपी बूटा जो सतगुरु जी लगाया है, साडी अर्ज है कि सतगुरु जी दी छतर छाया हेठ ए बूटा वधे फुले ते खुशियां प्राप्त होण। सत श्री अकाल।